अब बड़ी खबर समदड़ी इलाके के बामसीन गांव से है, जहां दबंग जाति के युवकों ने ग्राम पंचायत बामसीन से भीलों की ढाणी तक स्वीकृत पानी की पाइपलाइन बिछाने के काम का विरोध किया। गांव के ही राजपूत जाति के 3-4 युवकों ने काम कर रहे जेसीबी ऑपरेटर नैनाराम रेगर को जबरन जेसीबी से नीचे पटक कर मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं जब जेसीबी ऑपरेटर ने सरपंच उमेदराम चौधरी को इसकी जानकारी दी तो वे मौके पर पहुंचे और मारपीट का विरोध किया। उस समय तो युवक चले गए, लेकिन सरपंच को सबक सिखाने की धमकी दे गए। सरपंच ने बताया कि वे गांव में मानाराम चौधरी के यहां शोक सभा में बैठने जा रहे थे और तब रास्ते में प्रताप सिंह ने अपने साथी अमर सिंह, महेंद्र सिंह, सुमेर सिंह, सुरेंद्र सिंह गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन जैसे तैसे सरपंच गाड़ी भगाकर मानाराम चौधरी के घर पहुंचकर शोक सभा में बैठ गया। सरपंच के पीछे पीछे आए बदमाशों ने सरपंच को शोक सभा के बीच से ही उठाकर लात घूसों से जोरदार पिटाई शुरू कर दी। उन्हें सभा के बीच गिरेबान पकड़कर घसीट कर ले गए और लोगों के विरोध के चलते सभी बदमाश मौके से भी फरार हो गए। पीड़ित ने आरोपी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि युवक नहीं चाहते हैं कि भीलों की ढाणी में पेयजल लाइन पहुंचे और वे पूर्ति। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से गांव में आरोपी युवकों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। कौन कौन थे वहां के नेता? तो 10-12 जना था। रात रात में पैसणो कोन। हां ठीक है। नहीं एक भी जना में पैसणो वे पर नाम नहीं। पत्थू सिंह ने प्रताप सिंह विक्रम सिंह। अच्छा, किन बात को लेकर आपके साथ में झगड़ा किया है? क्या यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैं क्यों रोक बोला मशीन के पास। हाँ, ये सरपंच हमारे पास आया था अंदर बैठने के लिए। हाँ। और इधर बैठने के लिए आया और हमारे पास उसने कांच के प्रताप सिंह ने वापस बाहर ले लिया कांच के। हाँ। और फिर उसके साथ में धक्का धुम्बा करके कुछ फीट का काम धक्का धुम्बा करने बच रही थी। मिलता छोटा भी नहीं तो इन्हें अलग अलग किया। बोल मिलाने कुछ फीट मारना प्लान की जुड़ो तो जब मार पीट प्लान की जुड़ो तो जब हमारे मौका माते आयो तो हमारे समाज की हमारी खुदी भी चिकी थी हमारी। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।